अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज सुबह से हमारे घर लाइट गई हुई थी, तो वो इतना अंधेरा हो रहा था कि मैं अपना जो है ना सुबह का कुछ व्लॉग नहीं बना सकी, तो काफ़ी देर शाम में फिर लाइट आई है, तो मैंने कहा चलो अब जो मैं कुछ भी पका रही हूँ तो उसको ही शेयर कर लूँ। तो आज मैं ढाबा स्टाइल चने की दाल अंडा घोटाला जिसे कहते हैं ना, वो बना रही हूँ, तो मैं भी आपको शेयर करती हूँ। स्टार्ट करते हैं। चने की दाल जो है वो दो पाव है तकरीबन, तो उसको धो के पानी डाल दिया है इतना तकरीबन कि वो बॉयल हो जाए, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो बस इसको उबालेंगे और इसके बाद मैं इसका मसाला बताती हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि क्या करना है। अच्छा, साथ साथ में चाय भी बना लेती हूँ बिकॉज शाम हो गई है और मगरब में चाय पीने की आदत है, तो मैंने कहा कि साथ साथ चाय भी चढ़ा दूँ मैं। बस जी, आज लाइट नहीं थी और इस कदर अंधेरा कि कोई काम नहीं कर पाई मैं, और फिर थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा मैं आराम कर लूँ, यानी कि मैंने फिर पेन किलर ली, थोड़ी लेट गई उठी हूँ, तो अब मैं थोड़ा ये लेट काम कर रही हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है, शायद यही वजह है कि ना थोड़ा सा वो फ्लू और सर में दर्द और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मौसम अच्छा हो रहा है इस वजह से नहीं, मतलब मौसम कुछ चेंज हो रहा है ना, तो ये इस तरह जब चेंज होने लगते हैं ना मौसम, तो फिर ये सबकी तबीयत खराब होने लगती है घर में, बारी बारी किसी को छींकी आ रही है, किसी को खांसी हो रही है, तो ये चलता रहता है सर्दियों में। तो बस अब मैं ये चाय भी पीऊंगी और साथ साथ आपसे बातें भी करती जाऊंगी कि दो दिन से मैंने अपना कोई व्लॉग नहीं डाला क्योंकि काफ़ी बिजी थी मैं, तो अब मैं अपने व्लॉग्स डालूंगी। दो तीन दिन से काफ़ी घर में मेरे फंक्शन था, फिर मुझे भी कहीं जाना था, तो वो मैं फिर अब आपके साथ शेयर करूंगी। मैं जो इसमें गरम मसाला डालूंगी या मैं जो घर में गरम मसाला रखती हूँ, मैं उसकी रेसिपी बता दूँ कि इसमें दो बादियान फूल, एक छोटा ये जो क्या होता है जावित्री है, और ये पत्ता है तेज़पात, थोड़ा ये जो होती है दालचीनी, सब्ज इलायची, लौंग और काली मिर्च, इनको मैं पीस के रखूँगी और इससे ही मैं अपना गरम मसाला बना कर रखती हूँ। अच्छा, ये मैंने पीस लिया है, सारी चीज़ें पीस ली इसमें, लेकिन ये थोड़ा सा मोटा लग रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा और पीस लेती हूँ। बिल्कुल बारीक होना चाहिए गरम मसाला, ताकि जब हम किसी चीज़ पर जब डालते हैं ना, तो ये ना हो कि ना कि सारी चीज़ें फिर अलग अलग मुंह में आए, तो इसलिए अभी इसको दोबारा पीस लेती हूँ। अब ये बिल्कुल बारीक हो चुके हैं गरम मसाला, ठीक है, तो इतना तो बारीक होना चाहिए। तो ये वाले गरम मसाले जो है ना, ये बाजार वालों से बहुत बेहतर होते हैं और बहुत फ्रेश, घर का पिसा हुआ, तो इसमें जाहिर है कि एक्स्ट्रा चीज़ तो कुछ भी नहीं होती ना, हमने सारे गरम मसाले साफ सुथरे इसमें डाले, तो ये भी बनाकर रख लें, तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब किसी भी चीज़ में डाल दें आप तो बहुत ही टेस्ट को इन्हांस करता है ये। देखिए, मैंने दाल यानी कुकर को खोल लिया है और दाल जो है ये बहुत ही अच्छी सी उबल गई है, ना ये बहुत ही ज़्यादा नरम हुई है और ना बहुत ही हार्ड, तो इस तरीके से ही चाहिए, ये देखें, ये इस तरीके से। तो अब मैं इसका जो है वो मसाला भी तैयार करती हूँ। अच्छा, ये कढ़ाई मैंने ऑन कर दिया है, तो सबसे पहले जो है इसमें मैं तीन अंडे वो फ्राई करके निकाल लूंगी।
अच्छा इन अंडों को जो है ना फ्राई एज सच इस तरह नहीं, बस इनको जो है हमें ये ऊपर ये छोटा छोटा सा बनाना है रफली सा बिल्कुल। अच्छा इसमें मैंने ये अंडा निकाल लिया इस तरह, अब इसमें ये गरम मसाला डाल दूंगी और फिर साथ साथ एक छोटी प्याज जो है वो भी डाल दूंगी। इनको थोड़ा सा जो है मुझे ऐसे करना है जैसे बहुत ज्यादा भी डार्क नहीं करना है, इनको थोड़ा सा फ्राई करना है, बस चाय भी साथ साथ चलती रहे क्योंकि चाय के बगैर गुजारा नहीं ना, तो बस ये चाय भी पीती रहूंगी और ये साथ साथ जो है प्याज अभी फ्राई नहीं हुए, बस ये फ्राई हो जाए तो फिर मैं मजीद बताती हूँ। अच्छा जी ये प्याज हो गई है इतनी लाल, ठीक है, तो अब इसमें मैं अदरक लहसुन डाल दूंगी जितना भी आप डालती हैं, मैंने तो 2 चम्मच डाल दिया, अदरक लहसुन डालती हूँ मैं इसमें, अब बाकी के मसाले डालूंगी। अच्छा तेल में मसाले ना जल जाए फौरन ही, तो इसमें मैं थोड़ा पानी भी डाल देती हूँ तो वो फिर मसाला जो है ना वो जलने लग जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी धनिया पाउडर ये 1 चम्मच, अच्छा पिसी लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच और कुटी मिर्च भी 1/2 चम्मच, बस ये मसाला इसमें जाएगा। अच्छा नमक आई थिंक मैंने डाला, नमक जो है वो जाहिर के कोई टेस्ट खाता है कोई हल्का खाता है तो फिर वो सब अपने टेस्ट के हिसाब से डाले। अच्छा जी इसको भूनना है और बहुत ज़्यादा देर नहीं, मतलब इतने वैसे मसाले तो नहीं है, दाल ही बन गई है तो इसलिए ज़्यादा नहीं भूनने से, इसको भूनने की थोड़ी देर बाद ही ये मैंने डाल दिया है। इसमें मैं फिर ये जो टमाटर जो कटी हुई है उसको डाल दूंगी, ये 2 अदद टमाटर हैं मीडियम साइज के, तो ये डाल दूंगी। अच्छा टमाटर को गलने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, तो इसलिए मैं इसे ढक दूंगी, ढकने से टमाटर जल्दी गल जाएंगे। देखिए टमाटर जो है ना ये पूरे गल चुके हैं, तो इसमें मैं 2-3 चम्मच दही के भी डाल दूंगी, मैं दही भी चली गई, देखें कितना अच्छा कलर हो गया। ये मसाला बहुत अच्छी तरीके से ना भून चुका है, अब इसमें मैं सबसे पहले ये जो अंडे जो निकाले थे ना ये इसको वापस इसमें डाल देंगे। इनको थोड़ी देर के लिए रखते हैं 1 से 2 मिनट, 1-2 मिनट के बाद इसके अंदर ये जो हमने दाल बॉईल करके रखी थी वो डाल देंगे। अच्छा मैं इतना ही देखकर डाल रही हूँ जितनी जरूरत है, अगर दाल मुझे ज्यादा लगेगी तो फिर मैं उसे रख लूंगी वो फिर काम आ जाएगा, बची हुई दाल से मतलब ये जाया तो नहीं होगी ना, तो फिर उसके बाद इसको किसी और काम में ले आऊंगी। मुझे लग रहा है ये पूरी चली जाएगी, तो बस ये मैंने डाल दिया।
देरी से रख देते। अच्छा जी, 5 मिनट बाद फिर ये देख लेते कि 5 मिनट में इसकी शक्ल ऐसी हो चुकी है, तकरीबन ये तैयार है। तो इसमें मैं ये थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूंगी। कसूरी मेथी के साथ ही ये जो गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं कट करके रखी हैं, उन्हें भी डाल दिया। और जो मैंने गरम मसाला पीस के रखा था तो ये भी डाल दिया। थोड़ा सा गरम मसाला और खुशबू। अब जो है आंच धीमी कर देती हूँ मैं और कवर कर देते हैं इसे। ये 5 मिनट में तकरीबन तैयार हो जाता है। ये देखिए, ये हमारी ढाबा स्टाइल दाल तैयार हो चुकी है और आप भी प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। रोटी के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं या बाज़ार की तंदूर के साथ खाएं, तो ये बहुत ही खाने में मज़ेदार होगी। इजाज़त लूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो फ़ौरन से देखने को मिले। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।